आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नोनी आएंगे आपके लिए। आदाब नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पलपल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूँ आपके साथ नदीम अकरम। दिल्ली के जंतर मंतर पर 10,000 हिंदुओं ने धर्म को त्याग करके बौद्ध धर्म अपना लिया, जो कि 22 प्रस्ताव की तस्वीरें सामने आई तो भारतीय जनता पार्टी बुरी तरीके से बिलबिलाने लगी और गोदी मीडिया ने आसमान सर पर उठा लिया कि देखिए साहब, हिंदुओं के खिलाफ भड़काने की देश में एक अनोखी साजिश की जा रही है, जिसमें तमाम तरीके से बयानबाजी करते हुए भारतीय जनता पार्टी के नेता मीडिया को बाइट देते हुए दिखाई दिए, जिसमें मनोज तिवारी भी सामने आए तो तमाम लोग एक एक कर सामने आना शुरू हो गए। पर अब भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों का नफरती मेला लगा है और उस नफरती मेले की तस्वीरें अभी तक ना तो गोदी मीडिया के पास पहुंची हैं और जो तमाम दलीलें देते हुए हिंदू धर्म छोड़ करके बुद्धिस्ट धर्म अपनाने वाले लोगों पर ज्ञान बांट रहे थे, वो वाला गैंग भी अब कहीं दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा खुले तौर पर नफरती मेले में मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करते हुए दिखाई दिए। तो वहीं सुंदर नगरी को भारतीय जनता पार्टी के विधायक सुवर नगरी बोलते हुए दिखाई दिए। अब ये तस्वीरें गोदी मीडिया को नजर नहीं आने वाली, पर एक एक कर तमाम नफरती वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो चुके हैं। किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रवेश वर्मा ने नफरत फैलाने का काम किया है, इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। जहां जहां ये आपको दिखाई दे, मैं कहता हूं अगर इनका दिमाग ठीक करना है, इनकी तबीयत ठीक करनी है तो एक ही इलाज है, वो है संपूर्ण बहिष्कार। आप इस बात से सहमत हो? हाथ खड़ा करके बोलो सहमत हो तो, और मेरे साथ बोलो हम इनका संपूर्ण बहिष्कार करेंगे। हम इनके दुकान रेडियो से कोई सामान नहीं खरीदेंगे, हम इनको कोई मजदूरी नहीं देंगे। आप एक काम कर लेना बस, ये इनका इलाज है। तो आज इतनी संख्या में आप आए हैं, पानी के अंदर बैठे हैं। मुझे आपने ये वीडियो देखा जहां पर प्रवेश वर्मा खुले तौर पर मुसलमानों के बहिष्कार का ऐलान करता हुआ दिखाई देता है, तो वहीं इससे एक कदम आगे निकलते हुए, क्योंकि भाजपा नेताओं में ही अपने आप में होड़ लगी हुई है कि कौन सबसे ज्यादा कट्टर हिंदू कहलाएगा, तो प्रवेश वर्मा से ज्यादा खतरनाक और खूंखार तरीके से नंद किशोर गुज्जर भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाई दिए। पहले इस वीडियो पर नजर डालिए। लेकिन फिर किसी की औकात नहीं हुई, इसलिए मजबूत होना पड़ेगा। हम लोग किसी को छेड़ते नहीं, लेकिन अगर हमारी बहन बेटी को छोड़ दे तो उसको हम छोड़ते भी नहीं है। ये हमारा चरित्र है। दिल्ली के अंदर सीने पर दंगा हुआ, तब ये जिहादी हिंदुओं को मारना शुरू किए तो आप लोग थे, आपने घर घुसा दिया। हमारे ऊपर आरोप लगा कि हम 2,500 लोग दिल्ली में घुसे। हम तो समझाने के लिए गए थे, लेकिन हम पे पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर दिया कि हमने जिहादियों को मारने का काम किया। हमने जिहादियों को मारेंगे, हमेशा मारेंगे, लेकिन जो भारत माता को भारत माता मानता है, भारत माता की जय बोलता है, उसको हम बिल्कुल नहीं मारेंगे। जो भगवान श्री राम को अपना पूर्वज मानता है, उसको हम बिल्कुल कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन जो हिंदुस्तान के अंदर आतंकवाद फैलाएगा, जो यहां इस तरह की हिंसक घटनाओं को अंजाम देंगे, आज के बाद कोई घटना ना हो, ये संकल्प आप लीजिए। जाना एक दिन जरूर है, ये संकल्प लीजिए। और अगली योजना जो भी हो, जो भी संगठन की योजना यहां से बनती है, 9,000 से 50,000 आदमी, बड़ी बात नहीं कह रहा हूं मैं, आपको लग रहा होगा 50,000 आदमी जहां कहोगे नोनी आएंगे आपके लिए। पहले भी दिल्ली में आए थे, पहले भी
सब जब दिल्ली को जरूरत पड़ी है, क्योंकि हम दिल्ली को अलग नहीं मानते, सब जब जरूरत पड़ी है। तो दोस्तों आपने देखा ये प्रवेश वर्मा जो कि सुंदर नगरी का नाम किस तरीके से बदलने पर लगा हुआ है, अखलाक को मारा और किस तरीके के शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है और साफ तौर पर कह रहा है कि मुसलमानों से जंग होने वाली है। अब नफरत की दीवार जो है ढहने लगी है तो तमाम नफरतकार चाहे सांसद हो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे विधायक हो, वो भी भड़काऊ भाषण देते हुए दिखाई दे रहे हैं। किस तरीके से पूरा मामला सामने आया है पहले इस रिपोर्ट पर नजर डालते। दिल्ली के सुंदर नगरी में एक हिंदू युवक मनीष की हत्या के विरोध में रविवार को विश्व हिंदू परिषद ने विरोध कार्यक्रम विराट हिंदू सभा का आयोजन किया। इस दौरान सभा को संबोधित करते हुए पश्चिम दिल्ली से भाजपा सांसद प्रवेश वर्मा ने एक विवादित बयान देते हुए कहा कि मनीष की हत्या जिहादी तत्वों के कारण हुई है। उन्होंने कहा कि मनीष की हत्या कोई साधारण घटना नहीं है, इसके लिए उन्होंने मुसलमानों को सबक सिखाने के लिए उनका बहिष्कार करने की अपील की। इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने सांसद की अपील पर दोनों हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। भाजपा सांसद ने कहा कि जब तक सारे हिंदू एकजुट नहीं होते तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। उन्होंने कहा कि जिहादी तत्व दिल्ली में ऐसा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यहाँ उनकी सरकार है। ऐसे लोगों को हिंदू और पुलिस चाहे तो 24 घंटे में सबक सिखा सकते हैं। उन्होंने हिंदुओं से जिहादियों का बहिष्कार करने तक का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये रेड़ियां लगा रहे हैं, लोगों को इनकी रेड़ियों से सब्जी खरीदने की जरूरत नहीं है। ये मांस मछली की दुकान और रेस्टोरेंट खोलते हैं, वहां पर एमसीडी को बुलाकर जिनके पास लाइसेंस नहीं है ऐसी दुकानों को बंद कराने की जरूरत है। जहां भी ये लोग दिखाई दे इनका सिर्फ और सिर्फ बहिष्कार किया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आपको बता दें कि अपने बयानों को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहने वाले बीजेपी के फायर ब्रांड नेता विधायक नंद किशोर गुज्जर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने भी विवादित बयान दिया। उन्होंने एक कार्यक्रम में मंच को संबोधित करते हुए विपक्ष पर जमकर हमला बोला। इतना ही नहीं, दिल्ली स्थित सुंदर नगरी को सुअर नगरी तक कह डाला। दरअसल दिल्ली के सुंदर नगरी में गाजियाबाद के लोनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुज्जर ने मन से बार बार विवादित बयान दिया जो सत्ता के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। उन्होंने मंच को संबोधित करते हुए कहा कि सुंदर नगरी अब सुअर नगरी बन गई है, मेरी लोनी को मिनी पाकिस्तान बोला जाता है। उन्होंने कहा कि दिल्ली में दंगा हुआ, सब जगह दंगा हुआ, लेकिन हमारे यहाँ लोनी में किसी ने पत्थर फेंका क्या? हमने कहा इलाज कर देंगे, घर में घुस कर मारेंगे और जहां जाना हो वहां भेज देंगे। औकात में रहो, हद में रहो। उन्होंने कहा कि 6 लाख की आबादी है लेकिन किसी ने कान तो नहीं हिलाए। आज सारे इकट्ठा होकर डीएम को बोलते हैं हम पलायन कर रहे हैं, कहते हैं हमें भगा रहे हैं, जबकि हम किसी को नहीं भगा रहे। उन्होंने दिल्ली सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि एक इनका जो विधायक है ओखला वाला, उसका नाम क्या ले ऐसे सुअर का। पूरे दिल्ली में ट्रेन भरकर बांग्लादेश से जिहादियों को लाया जा रहा है, उनके वोटर कार्ड दिल्ली ने बनाए जा रहे हैं। प्रवेश वर्मा ने कहा कि अगर इनका दिमाग और तबीयत ठीक करनी है तो उसका एक ही इलाज है और वो है संपूर्ण बहिष्कार। उन्होंने जनता से अपील की वे मुसलमानों की दुकानों से सब्जियां खरीदना बंद करें, इसने कोई सामान ना खरीदे और इनको किसी प्रकार की मजदूरी ना दे। इस पर प्रवेश वर्मा और नंद किशोर गुज्जर के वीडियो को पलटवार करते हुए ओवैसी ने कहा कि भाजपा आरएसएस का सांसद देश की राजधानी में खुली सभा में मुसलमानों को बहिष्कार करने की शपथ ले रहा है। आरएसएस के मोहन भागवत ने कहा था कि मुसलमानों में झूठा डर फैलाया जा रहा है। सच तो यही है कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज कर दिया है। दिल्ली सीएम और अमित शाह दोनों ने चुप्पी साध ली है।
वहीं AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने वर्मा और गुज्जर का वीडियो शेयर करते हुए कहा कि बीजेपी ने मुसलमानों के खिलाफ जंग का आगाज किया है, जिस पर कई सोशल मीडिया के यूजर्स की प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें एक ने लिखा है कि हम कुछ कहेंगे तो फेसबुक ट्विटर आईडी ब्लॉक करने की या पुलिस कार्रवाई करने की वार्निंग देती है। क्या ऐसे लोगों को वार्निंग नहीं दिया जाता है जो कि समाज में एक तरफा जहर घोलने का काम करते हैं? तो दूसरे ने लिखा कि चुनाव का मौसम आने वाला है, बीजेपी के पास कोई दूसरा मुद्दा नहीं है, अपने सारे घटिया नेता सड़क पे ला रहे हैं ताकि लोगों का मन लगा रहे, इसलिए ये सब अचानक पड़ गया है। एक अन्य यूजर्स ने लिखा कि भाजपा गुजरात में हार रही है, ये उसकी बौखलाहट और डर है, अब कोई मुद्दा नहीं है तो पुराना नाटक चालू, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाना और सत्ता में राज करना, अरे आप लोगों को अंग्रेजों की औलादे ही कहा जाता है। स्पष्ट हो रहा है कि तोड़ने का कोई इनसे सीख ले, कि वैसे अब इनको सुनने के लिए बहुजनों का समुदाय नहीं मिल रहा तो मेले का स्थान चुना है। कुछ समझे इनकी बातों को, जो कि पूरी तरीके से नफरती मेला भारतीय जनता पार्टी के सांसद और विधायकों द्वारा लगाया गया और एक से बढ़कर के एक ऐलान मुसलमानों के खिलाफ होते रहे। क्या देश के गृह मंत्री जो तुरंत किसी भी मुस्लिम के ऊपर संज्ञान लेते हैं, क्या वो अपने विधायकों और सांसदों के ऊपर संज्ञान लेंगे? ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है। और जो मोहन भागवत मुसलमानों के प्रति प्रेम को उजागर करने पर उतारू हैं, क्या वो अपनी सरकार पर प्रेशर बनाएंगे कि ऐसे लोगों को पार्टी से बाहर निकालने का काम किया जाए? तमाम तस्वीरें एक एक कर सामने आती रहेंगी। मैं ऐसी ही खबरों से आपको रूबरू कराता रहूंगा। दीजिए इजाजत, शुक्रिया।